कुलंधर पाली वालों के मुदगल गोत्र में कुलंधर एक उपजाति है। कुलंधर के नाम पर ही इसका नाम कुलधरा पड़ा था। कुलधरा या कुलंधर भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। एक शापित और रहस्यमय गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गाँव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफी शक्ति से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए, साथ ही श्राप भी देकर चले गए। इस कारण यह शापित गांव भी कहलाता है। कुलधरा कुलधरा कुलंधर गांव देश भारत राज्य राजस्थान जिला जैसलमेर ऊंचाई 266 मीटर 873 फीट समय मंडल IST UTC 5:30। यह गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण अब यहां रोजाना हजारों की संख्या में देश एवं विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। भौगोलिक स्थिति, यह स्थान पूर्व ग्राम जैसलमेर नगर से 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह गांव 861 मीटर 261 मीटर के उत्तर दक्षिण आयताकार क्षेत्र में फैला हुआ था। यह गांव माता रानी के मंदिर को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ था। इसमें तीन उत्तर दक्षिण मार्ग थे जो विभिन्न स्थानों पर पूर्व पश्चिम की पतली गलियों द्वारा मिलते थे। इस स्थान की अन्य दीवारें उत्तर एवं दक्षिण से देखी जा सकती हैं। ग्राम के पूर्वी भाग में छोटी ककनी नदी के रूप में एक सूखी नदी है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित कृतियों की दीवारों से सुरक्षित है। स्थापना कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता है। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारिख है जैसलमेर के अनुसार कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में उघानसर नामक एक तालाब खोदा। गांव के खंडहरों के बीच विभिन्न देवलियों स्मारक पत्थर सहित तीन शमशान घाट हैं। देवली शिलालेखों के अनुसार गांव की स्थापना 13वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई। ये शिलालेख भट्टे एक पंचांग पद्धति जो 623 से आरंभ होती है में दिनांकित है और दो निवासियों के निधन के रूप में क्रमश 1235 और 1238 अंकित हैं। जनसंख्या गांव में अब 400 खंडहर घर देखे जा सकते हैं, जिसमें अब वर्तमान में कोई नहीं रहता है, किंतु किंवदंतियों के अनुसार यहां भूत रहते हैं। लक्ष्मीचंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीख है जैसलमेर 1899 जिसमें लिखा गया है कि यहां पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, जबकि रिजवी के मुताबिक यहां 17वीं-18वीं शताब्दी में कुलधरा गांव में तकरीबन 1588 लोग रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टॉट के अनुसार यहां की जनसंख्या 1815 ईस्वी में कुल 800 ही थी, जिसमें 200 परिवार थे। सामाजिक समूह वहां काफी अन्य देवाली अभिलेख अथवा शिलालेख हैं। ये अभिलेख पालीवाली शब्द का उल्लेख नहीं करते। ये अभिलेख यहां के निवासियों को ब्राह्मण बताया है। काफी अभिलेख इन निवासियों को कुलंधर या कुलधर जाति का बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पालीवाल ब्राह्मणों में कुलंधर एक जाति समूह था और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम पड़ा। कुछ अभिलेख इन निवासियों के जाति और गोत्र का भी उल्लेख करते हैं। अन्य जातियां जिनका अभिलेख में उल्लेख है वे हैं हरजल हरजलू हरजलुनी मुगदल जसुतिया लोहारथी लहठी लखर सहारन जग कलसर और महाजलार। गोत्र जिनका उल्लेख है वे हैं असम सुद्धाना गर्गवी और गागो। एक अभिलेख गोनाली के रूप में एक ब्राह्मण के कुल परिवार की वंशावली का उल्लेख करता है। पालीवाल ब्राह्मण के आला एक अभिलेख दो सूत्रधार शिल्पकार का उल्लेख करता है जिनका नाम धनमग और सुजोगोपालना है। ये अभिलेख दर्शाते हैं कि ब्राह्मण निवासी ब्राह्मण समाज में ही शादी सगोत्री विवाह करते थे, जबकि जातियां दूसरे गोत्र में विवाह करती थी। संस्कृति धर्म कुलधरा गांव के लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। हालांकि ज्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी है जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित है। गांव के लोग विष्णु महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़े पर सवार देवता की भी पूजा करते थे। वेशभूषा कुलधरा गांव में लोग जिसमें पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते थे, जबकि पजामा भी पहनते थे, साथ ही कमर पर कमरबंद बांधते थे। इनके अलावा कंधे पर अंगरखा जो एक बड़ा परिधान होता है जिसे रुमाल भी कह सकते हैं भी रखते थे। पुरुष लोग इन सब के अलावा गले में कुछ हार भी पहनते थे। महिलाएं मुख्यत लहंगे पहनती थी, जबकि अंगरखा ये महिलाएं भी रखती थी, साथ ही गले में कुछ हार भी पहना करती थी। अर्थव्यवस्था कुलधरा गांव के लोग ज्यादातर कृषि का व्यापार बैंकरों का कार्य और किसान हुआ करते थे।
साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। ये अलंकृत बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो कि बनाए जाते थे। वे जल संचय के लिए खड़ीन का इस्तेमाल करते थे जो एक कृत्रिम निचाई वाला हिस्सा होता था जिसके तीन ओर बांध बना दिए जाते थे। जब खड़ीन का पानी सूख जाता तो पीछे बची मिट्टी ज्वार, गेहूं और चने की फसल के लिए अनुकूल होती। 1-2.5 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी खड़ीन कुलधरा के दक्षिण दिशा में मौजूद थी। खेती करने में गांव के लोग कतनी नदी या काकनी नदी और कुछ कुओं से पानी सींचते थे। कतनी नदी जो शाखाओं में विभाजित थी, एक जिसे मसुरड़ी नदी कहा जाता था और दूसरी जो कि एक नाली के रूप में थी। कतनी नदी जो कि एक मौसमी नदी है, जब यह सूख जाती थी तब गांव के लोग घरों से दूर बने कुओं से पानी लेकर आते थे। एक स्तंभ शिलालेख से पता चलता है कि गांव में तेजपाल नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह ब्राह्मण कुलधरा गांव का ही रहने वाला था। किंवदंती, कुछ लोगों का मानना है कि यहां पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहां पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री भी थी। यह बात कुलधरा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वह उस सुंदर कन्या पर रूप मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर देगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते यह श्राप भी देकर गए थे कि यहां फिर कोई नहीं बस पाएगा, इसलिए वर्तमान में यह राजस्थान के जैसलमेर का गांव एक शापित गांव कहलाता है। पर्यटन स्थल, पूर्व में इस गांव में घूमने जाने के लिए के अनुमति नहीं थी क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। लोगों के अनुसार यहां भूत रहते हैं, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने यह दावा किया है कि यहां कोई भूत नहीं रहते हैं, इसलिए सभी के लिए खोल दिया है और पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। इस कारण अब यहां हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहां स्थानीय लोग ही नहीं अपितु देश एवं विदेश से भी आते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।